I'm going to teach you how can you become a dancer in just a few minutes. यार जो सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट लेसन है ना ये कि अपने ना दिमाग को ठीक करो। यार एक तो भोसड़ी के वालों को चलना ठीक से आता नहीं होता और जब डांस की बारी आती है ना तो कहते हैं कि आपने हरे रोशन बनना है, अबे आप तो शाहिद कपूर है, अबे गोविंदा अबुन है। तो ये अपने दिमाग से निकाल दो, आप फॉलो करो तो सिर्फ एक पर्सनैलिटी को और वो है हमारे सबके सल्लू भाई। अबे सल्लू भाई की जो स्टेप्स है ना, अबे तीन स्टेप्स करता हूं, ये देखो हुड़ हुड़ दबंग दबंग दबंग, अबे ढिंका चिका ढिंका चिका ढिंका चिका ढिंका चिका, ये तीन स्टेप सीख लो। अबे ये तीन स्टेप तो कहीं भी जाके कर लो ना, अबे लोग कहेंगे कि अबे मेरे को भी क्लासेस दे रहे डांस की, इस तरह के कमेंट्स आएंगे। लेकिन यार जो दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट लेसन है ना वो ये कि डांस करते करते खुद को सल्लू भाई नहीं समझना। अबे सल्लू भाई ना अबे जान है, अब तुम अपने आप को अगर सल्लू भाई समझ रहे हो ना अबे तो तुम समझदार नहीं चूतिया हो, सल्लू भाई नहीं समझना अपने आप को। और जो लड़कियों के मामले में, ये लड़कियों को ना मेरी एक ही राय है जो एडवाइस देना चाहूंगा ना, वो ये कि कुछ भी कर लो स्टेज पर जाके, हम लोंडे लपाड़े बैठे हैं ना तुम्हारे लिए तालियां बजाने के लिए, इस तरह के तो हम हैं, अबे लोंडीन तो बस स्टेज पे जाना है, जाके कहने के सॉरी मुझे डांस नहीं आता, ओ क्या डांस किया कैसे कैसे कर लेते हो, इस तरह कमेंट्स करने के लिए हम लोंडे बैठे नहीं है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, एंड इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।